उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। रंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। जेल प्रशासन की लापरवाही से गई एक बाल युवक कैदी की जान। परिजन ने आशंका जताई कि मेरा बेटा जेल में ही एसिड पी लिया था, जिससे उसकी जान गई। जेल प्रशासन की लापरवाही से बेगूसराय का रहने वाला पंकज कुमार सिंह का एक 17 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार की मौत हो गई। गौरतलब हो कि ये युवक लखीसराय हसनपुर का रहने वाला था, जो पटना में रहकर अपनी पढ़ाई करता था। ये युवक 27 नवंबर 2022 को साइबर सेल क्राइम के तहत पुलिस की गिरफ्त में आया था और उसे बाल गृह में कैद कर लिया गया था। वहीं कैद युवक की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया ले जाया गया, लेकिन जब इसकी हालत नाजुक होने लगी तब उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया, जहां इस युवक की इलाज के दौरान शुक्रवार को अहले सुबह तकरीबन 4 बजे मौत हो गई। वहीं मृतक कैदी युवक के परिजनों का कहना है कि जब हम लोग खगड़िया बाल गृह में अपने बेटे रोशन से 2 दिन पहले मिलने गए थे तो वो स्वस्थ था। हम लोगों की उनसे बात भी हुई, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ना और इलाज के दौरान मौत हो जाना ये प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। कुछ दिन पहले लखीसराय हसनपुर का रहने वाला मृतक कैदी बाल युवक रोशन बेगूसराय तेघड़ा की रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता था। वो उस लड़की का फेक अकाउंट बनाकर इंस्टाग्राम पर कई मैसेज सेंड किया करता था। ये बात जब लड़की के पिता को पता चली तो उनके पिता ने अज्ञात युवक पर बेगूसराय थाने के रतनपुर ओपी में केस किया। पुलिस जब इसकी तहकीकात में जुटी तो पता चला कि प्रेमी युवक रोशन पटना में रहकर पढ़ाई करता है, और तभी पुलिस ने उसे पटना के लॉज से ही धर दबोचा, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। लखीसराय का रहने वाला 17 वर्षीय मृतक बाल कैदी रोशन कुमार के पिता पंकज सिंह ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही से मेरे बेटे की जान गई है। जब मैं 2 दिन पहले अपने बेटे से अच्छे से बात की तो अचानक वो कैसे मर सकता है। वहीं उन्होंने आशंका जताई कि जेल के अंदर ही मेरे बेटे ने कोई जहरीला पदार्थ या एसिड पीकर जान दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेल प्रशासन कहां था। दीनदयालपुर गांव में गांव के दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत के दीनदयालपुर गांव में दबंगों के द्वारा रास्ते पर झोपड़ी गाड़कर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। वहीं जमीन मालिक राजू यादव ने बताया कि हमारी जमीन 14 डिसमिल से ज्यादा है, जो हमारे घर से रोड पर जाने आने के लिए 4 फीट से अधिक रास्ता है, और सरकारी डांड है, जो गांव के दबंग रामदेव यादव, पिता स्वर्गीय केशव यादव के सभी परिवार मिलकर सरकारी डांड एवं हमारे रास्ते पर झोपड़ी गाड़ते हुए अवैध कब्जा कर लिया गया। इस मामले को लेकर सीओ शंभु चरण राय एवं थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। नवादा पंचायत के शाहबाद गाँव में गाँव के दबंगों ने आम रास्ते को किया बंद। नवादा पंचायत के वार्ड 12 में दबंगों ने रास्ते को किया बंद। सीओ थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की गई मांग। सुल्तानगंज प्रखंड नवादा पंचायत के शाहबाद में गांव के दबंग शंभू साह, सरयुग साह, सोनू साह, मीना देवी के द्वारा आम रास्ते को बंद करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं नवादा पंचायत के वार्ड 12 के ग्रामीणों ने अंचला अधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है कि विद्यानंद मंडल के द्वारा जमीन दी गई थी, जिसमें 7 फीट रास्ता जमीन मालिक के द्वारा दिया गया था, जिसमें जमीन लेने वाले लोग परमेश्वर मंडल, गुलाब मंडल, जयराम मंडल, उषा देवी सहित 50 लोगों ने जमीन ली। उस जमीन पर जाने के लिए रोड तक 7 फीट रास्ता दिया गया, जो उस रास्ते पर बांस बल्ला लगाकर बंद कर दिया गया।
इस मामले में नवादा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार ने बताया कि विद्यानंद द्वारा 50 लोगों को जमीन दी गई है। उस जमीन में 7 फीट रास्ता केबाला में दिया गया, लेकिन उस जमीन के रास्ते पर गांव के दबंग शंभू साह, सरयुग साह, सोनू साह, मीना देवी द्वारा रास्ते पर बांस बल्ला लगाकर बंद कर दिया गया। इस मामले को लेकर अंचला अधिकारी और थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। खादी ग्रामोद्योग के प्रांगण में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री सह किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती समारोह मनाया गया। राजद कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती समारोह मनाया। सुल्तानगंज के खादी ग्रामोद्योग के प्रांगण में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री सह किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के 119वीं जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिवाकर मंडल, राजद प्रखंड प्रधान महासचिव नटबिहारी मंडल, राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज, राजद के अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मंजूर, राजद के पूर्व प्रखंड उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव सहित राजद के सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री सह किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव सहित राजद के सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री सह किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं के लिए हर समय वो आगे रहते थे, इसलिए इनके जीवनी से हमें सीख लेनी चाहिए, और कहा कि महागठबंधन की सरकार में हमें सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने की भी बात कही, जिससे सभी किसानों को लाभ मिल सके। कोरोना भारतवर्ष में फिर से हो सकता है सक्रिय। JLNMCH में हुई कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी पूरी। कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपना जाल बिछा कर रखा था। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते थे। कुछ दिनों के बाद से लोगों ने ये भूलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अभी से ध्यान देने की बात कही। उसी बाबत भागलपुर में अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए MCH कोरोना वायरस 30 वार्ड तैयार करके रख लिए गए हैं। सभी वार्ड में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर गई है और साथ ही दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि मायागंज अस्पताल के सभी कोरोना वायरस स्टॉप भी इस नए वेरियंट BF से लड़ने के लिए कमर कस ली है। वहीं असीम कुमार दास ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों की तैयारी पूरी कर ली गई है। संभावित कोरोना BF7 से पहले हम लोगों ने MCH वार्ड में कोरोना वायरस 30 बेड लगाए हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर सभी दवाइयों की व्यवस्था की गई है। अब ये पता लगाना होगा कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। वहीं अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने ये भी बताया कि इस कोरोना वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बिहार SSC की परीक्षा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में SSC की कंबाइंड परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान गाइडलाइन के अनुसार भीषण सर्दी के बीच सभी छात्र छात्राओं के जूते और मोजे भी खुलवा दिए गए। दो भागों में आयोजित होने वाली SSC परीक्षा को लेकर भागलपुर में भी TNB कॉलेजिएट जिला स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सहित दर्जनों परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा देखकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्र छात्राएं जहां पूछे गए सवाल से काफी उत्साहित दिखे, वहीं परीक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम की काफी सराहना की। SSC परीक्षा को लेकर क्या कहा छात्र छात्राओं ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। भागलपुर के अमूमन स्कूलों में क्रिसमस की हो गई है छुट्टी, कहीं विद्यालयों में हुए वार्षिक महोत्सव तो कहीं हुए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। भागलपुर के अमूमन प्राइवेट स्कूलों में गुरुवार से बड़े दिन की छुट्टी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर कई स्कूलों में वार्षिक दिवस मनाया गया। वहीं भीखनपुर स्थित स्टेपिंग स्टोन स्कूल परिसर में बच्चों का वार्षिक दिवस मनाया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की प्रस्तुति हुई, जिसके बाद स्कूल की संचालक रूबी सहाय और स्कूल शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम को कर
स्कूल की संचालक ने बताया कि स्टेपिंग स्टोन स्कूल जिले का एकमात्र पुराना ऐसा किड्स प्ले स्कूल है जहां उन्हें स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आधुनिक तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही कहा कि बच्चों को प्रारंभिक समय से स्कूल परिसर में दी जाती है। कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, स्कूल के संचालक रिटायर कर्नल अजीत सहाय, स्कूल वरिष्ठ शिक्षिका पुष्पा घोष सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं गणमान्य मौजूद थे।